हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो हाउ यू कैन मैनिपुलेट डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल। आप टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। ओके, डेटा मैनिपुलेशन रेफर्स टू रिप्लेसिंग सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स फ्रॉम डेटा विद न्यू डेटा। तो डेटा मैनिपुलेशन क्या है? जब आप अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ पार्ट डेटा का चेंज करते हो, ओके, उसको रिप्लेस करते हो और उसके प्लेस पे क्या करते हो, आप न्यू डेटा ऐड करते हो। ओके, लुक एट द फिगर। आप अब यहाँ पे क्या है, आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है सैम्पल, ओके, सैम्पल डॉट txt, राइट, एंड इट इज़ हैविंग अ सेंटेंस वेलकम टू पाइथन क्लास, राइट। इसके अंदर एक सेंटेंस है वेलकम टू पाइथन क्लास। मैं यहाँ पे जो पाइथन वर्ड है उसको रिप्लेस करना चाहती हूँ विद कोडिंग, राइट। तो मैं इसको क्या डेटा मैनिपुलेशन की हेल्प से चेंज कर सकती हूँ, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलकम टू कोडिंग क्लास। अब डेटा मैनिपुलेशन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो किस फंक्शन का होता है, वो हमारा होता है रिप्लेस फंक्शन का। ओके, दिस फंक्शन इज यूज्ड इन पाइथन टू रिप्लेस स्पेसिफाइड फ्रेज ऑफ डेटा विद अनदर स्पेसिफाइड फ्रेज ऑफ डेटा। तो रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, क्या जो आपने डेटा इसमें स्पेसिफाई किया है, ओके, जो ओल्ड डेटा आपने स्पेसिफाई किया है उसको ये क्या, उसको ये किससे चेंज कर देता है, इसको उसको ये न्यू डेटा से चेंज कर देता है, फाइन। अब इसका सिंटेक्स देखेंगे। स्ट्रिंग क्या है, डेटा, आपका कंप्लीट फाइल का डेटा डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस फंक्शन में आप क्या पास करोगे, ओल्ड फ्रेज जो आपका ओरिजिनल डेटा है, ओल्ड डेटा है, न्यू फ्रेज मतलब जो इस ओल्ड डेटा को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, इसके प्लेस पे आ जाएगा, ओके। एंड काउंट क्या है, आपका ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, आप इसको यूज़ कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, राइट। अब काउंट में आप क्या देते हो कि आप डेटा को कितने टाइम्स, मान लो एक ओल्ड फ्रेज में आपने एक वर्ड लिया पाइथन, राइट, और आप इसको कोडिंग से चेंज कर रहे हो और ये बार बार आ रहा है, या तो कंप्लीट फाइल में आप चेंज कर रहे हो तो आप इसको काउंट को आप क्या करोगे, स्किप कर दोगे, नहीं दोगे। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ वन लाइन में ये चेंज हो या वन टाइम ये चेंज हो या टू टाइम चेंज हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे काउंट स्पेसिफाई कर सकते हो, लाइक वन टाइम, ओके, या टू टाइम्स, राइट। तो क्या होगा, ये इतने वो जो आपका ओल्ड फ्रेज है वो न्यू फ्रेज से टू टाइम्स ही चेंज होगा, रिप्लेस होगा, ओके। वेयर ओल्ड फ्रेज रेफर्स टू द पार्ट ऑफ ओरिजिनल डेटा, जहाँ पे ओल्ड फ्रेज क्या है, आपका ओरिजिनल डेटा है, न्यू फ्रेज क्या है, आपका न्यू डेटा है जो क्या करेगा, ओल्ड डेटा को रिप्लेस करेगा, ओके। एंड काउंट मैंने अभी आपको बताया इज ऑप्शनल, विच स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ अक्रेंसेज टू रिप्लेस, ओके। नाउ अभी हमें क्या करना है, हमें एक फाइल क्रिएट करनी है, टेक्स्ट फाइल। तो हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट फाइल अपनी क्रिएट कर लेते हैं, इसका नेम मैं दे देती हूँ sample.txt, और इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट कर देते हैं। लेट अस सपोज मैंने इसके अंदर डेटा दे दिया वेलकम टू पाइथन क्लास, ओके, आई हैव गिवन दिस टेक्स्ट हियर, इसको सेव कर दिया एंड देन क्लोज कर दिया, फाइन। नाउ अभी हमें क्या करना है, इस फाइल के डेटा में हम मैनिपुलेशन करेंगे, फाइन। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अपना प्रोग्राम बनाती हूँ, मैंने न्यू फाइल ले ली है, ओके, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट माय प्रोग्राम हियर। तो फर्स्ट मैंने ले लिया कमेंट, तो कमेंट में हम लिख लेंगे डेटा मैनिपुलेशन, ओके, मैनिपुलेशन इन टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं, टेक्स्ट फाइल, ओके, फाइन, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पहले रीड करा लेती हूँ डेटा को, रीडिंग डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, जो अभी आपने सैम्पल नेम से आप फाइल क्रिएट की है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रीड कराएंगे। तो ये मेरा फाइल हैंडल है F, और इसमें मैं ओपन फंक्शन को यहाँ पे ले रही हूँ, और ठीक है, मैंने यहाँ पे रॉ स्ट्रिंग ले ली, जिससे मुझे क्या है, अपने फाइल के पाथ में डबल स्लैश नहीं लगाना पड़ेगा, ओके। तो मैं अपना फाइल का पाथ यहाँ से लेती हूँ, ये मेरा फाइल का पाथ, राइट क्लिक ऑन द फाइल, ओके, प्रॉपर्टीज एंड कॉपी द पाथ, कंट्रोल सी, फाइन। नाउ हम अपने
प्रोग्राम में चलते हैं। इसको यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल वी, और मेरी फाइल का नेम क्या था, मेरी फाइल का नेम था सैम्पल डॉट टीएक्सटी, राइट। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इस फाइल को मैं ओपन करती हूँ आर प्लस मोड में। ओके, आर प्लस मोड में अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो मैं अपनी फाइल को रीड भी कर सकती हूँ और मैं अपनी फाइल के अंदर डेटा राइट भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको आर प्लस मोड में ओपन किया है, फाइन। ओके, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रिंट ओरिजिनल डेटा एस, ओके ओरिजिनल डेटा हम ले लेते हैं, सिलेक्शन कर देती हूँ जिससे ओरिजिनल डेटा आपका नेक्स्ट लाइन में आए। ओके, एंड एफ, एफ इज योर फाइल हैंडल डॉट रीड, रीड फंक्शन से क्या होगा, आपकी सैम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल रीड हो जाएगी, फाइन। और हमने इसको क्या किया है, प्रिंट भी करा दिया, और यहाँ पे मैंने एफ को फाइल हैंडल को कर दिया क्लोज, फाइन। अब क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे, तो मैं इसको देती हूँ फाइल 8, ओके, एंड देन रन, रन मॉड्यूल। देखो आपका आ गया डेटा, वेलकम टू द पाइथन क्लास। ये हमारे आपकी फाइल के अंदर भी डेटा है, आप यहाँ पे देखो फाइल को ओपन करके देख सकते हो, ठीक है, वेलकम टू द पाइथन क्लास, राइट। तो आपने फर्स्ट क्या किया, आपने अपनी फाइल को रीड कराया है, ओके। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपनी फाइल का डेटा चेंज करूँगी, फाइन। तो मैं यहाँ पे कमेंट ले लेती हूँ मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन फाइल, ओके, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन फाइल, दिस इज माई कमेंट, फाइन। ओके, अब मैं लेती हूँ, मैं अब फाइल को फिर से ओपन कर रही हूँ और मैं सेम मोड में उसको ओपन करूँगी। यहाँ पे फाइल हैंडल आप एफ भी ले सकते हो, मैंने एफ वन ले लिया है फॉर अ चेंज, बट आप सेम भी ले सकते हो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कंट्रोल सी कर लेते हैं हम यहाँ पे, और इसको कंट्रोल वी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, मैंने इस फाइल हैंडल को कर दिया एफ वन, ओके। आप इसको एफ भी रहने देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम लेते हैं एस टी आर, और इसके अंदर मैंने किया इनपुट, राइट। इनपुट में आप दे दो एंटर ओल्ड, या फिर एंटर द स्ट्रिंग टू रिप्लेस, मतलब जो आप स्ट्रिंग रिप्लेस करना चाहते हो, ओके। ये आपने, ओके, नेक्स्ट हम दे देते हैं न्यू स्ट्रिंग, एन एस टी आर ले लेती हूँ, एन एस टी आर वेरिएबल, और इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट एंटर एंटर द न्यू स्ट्रिंग, ओके, एंटर द न्यू स्ट्रिंग, फाइन। नो, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एफ वन डॉट राइट, राइट फंक्शन का यूज करेंगे, राइट फंक्शन से हम न्यू डेटा राइट करवाएंगे किसके ऊपर, ओल्ड डेटा के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे आपका अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज अब ऊपर वाले में कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में ना लेके इसको हम कर देते हैं डेटा, जो हमें फाइल का डेटा चाहिए कंप्लीट, ओके, और इसमें कर देते हैं एफ डॉट रीड, फाइन। और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं डेटा, फाइन, ओके। तो यहाँ पे जो डेटा वेरिएबल है उसके अंदर फाइल का कंप्लीट डेटा रीड होके चला जाएगा, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें फाइल का कंप्लीट डेटा चाहिए, राइट। तो आप किसका यूज़ करोगे, आप यहाँ पे डेटा का, डेटा वेरिएबल का यूज़ करोगे जिसके अंदर फाइल का कंप्लीट डेटा है, ओके। डेटा डॉट रिप्लेस, ओके, यहाँ पे आप क्या लोगे, एस टी आर क्या है आपकी, ओल्ड स्ट्रिंग, ओके, एंड एन एस टी आर आपकी क्या है, न्यू स्ट्रिंग, फाइन, ओके। यहाँ पे डबल आपका आएगा, ठीक है।
अब मैं देखो एक चीज़ को स्किप कर रही हूँ, मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, मैं बता देती हूँ, मैंने इसको अभी कमेंट बना दिया है, बाद में मैं इसका यूज़ बताऊँगी क्या है। सीख, अभी मैंने इसको कमेंट बना दिया है, राइट। मैं इसका यूज़ आपको बताती हूँ। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरा अपडेटेड डेटा, अपडेटेड डेटा वेरिएबल मैंने लिया है, मतलब ये मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर आपने यहाँ से देखो इस स्टेटमेंट से आपने क्या किया है, डेटा को रिप्लेस किया है। f1.write, f1 आपका क्या है, फाइल हैंडल है, ओके। f1 इज योर फाइल हैंडल। डॉट राइट, राइट फंक्शन की हेल्प से आपने डेटा क्या है आपका, फाइल का कंप्लीट डेटा। डॉट रिप्लेस के अंदर आपने क्या किया है, ओल्ड स्ट्रिंग जो आप रिप्लेस करना चाहते हो वो डाली है, और किससे रिप्लेस करना चाहते हो न्यू स्ट्रिंग वो आपने डाली है, फाइन। अब आपका क्या है, डेटा अपडेट होके आ जाएगा, डेटा अपडेट होके आ जाएगा, तो हम उसे क्या करेंगे, रीड करेंगे। उसको हमने रीड कर लिया, f1.read, और जो न्यू डेटा आपका रीड होके आएगा वो आपने कहाँ पे स्टोर कर लिया है, अपडेटेड अंडरस्कोर डेटा वेरिएबल के अंदर, फाइन। आपका डेटा यहाँ से राइट इस रिप्लेस फंक्शन की हेल्प से चेंज हो चुका है, और उसको आपने क्या किया है, f1.read फंक्शन की हेल्प से रीड करा लिया है। रीड कराने के बाद आपने उसको अपडेटेड अंडरस्कोर डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया है, फाइन। तो अब देखो मैं प्रिंट कर दूंगी, प्रिंट अपडेटेड डेटा एस, अपडेटेड डेटा एस, मैंने डबल नहीं सिंगल लाइन ले लो, ओके। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा वेरिएबल नेम थोड़ा बिग ले लिया है, पर कोई बात नहीं, समझाने के लिए लिया है, अपडेटेड डेटा, फाइन, ओके। एंड देन वी विल डू f1.close, ओके, f1.close। अब मैंने एक चीज़ इसमें यहाँ पे कमेंट बनाई है, ओके, इसका मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या यूज़ है कमेंट हटा के, फाइन। अभी हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं, सेव कर लिया, रन मॉड्यूल। देखो ये आपका ओरिजिनल डेटा था क्या, वेलकम टू पाइथन क्लास, राइट। अभी आपसे पूछ रहा है एंटर द स्ट्रिंग टू रिप्लेस, आप किसको रिप्लेस करना चाहते हो, मैं करना चाहती हूँ पाइथन को रिप्लेस, python, पाइथन। और किससे रिप्लेस करना चाहते हो, मैं कोडिंग वर्ड से इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ। अब देखो मेरे रिजल्ट में क्या आया है, मेरे रिजल्ट में यहाँ पर कुछ, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं आया, आपके जो आइडल है उसमें रिजल्ट नहीं आया, पर आप अगर फाइल को देखोगे तो वो चेंज हो चुका है, राइट। फाइल को देखोगे तो यहाँ पे पाइथन जो वर्ड था वो कोडिंग से रिप्लेस हो चुका है। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे फाइल हम ओपन करते हैं, पाइथन की जगह आपका कोडिंग आ चुका है, राइट। आपका फंक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, राइट। यहाँ पे पाइथन की जगह क्या आ गया है, कोडिंग आ गया है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया, फाइन, यहाँ पे इसलिए नहीं आया, जब आपने राइट किया डेटा, ठीक है, चेंज हो गया डेटा, फाइन। और आपका पॉइंटर कहाँ चला गया, आपका पॉइंटर चला गया एंड ऑफ द फाइल, ओके। तो देखो अब मैं अगर क्या करती हूँ, मैं इसको सेव करती हूँ, कंट्रोल एस, मैंने क्या पॉइंटर की पोजीशन कहाँ पे कर दिए, इन द बिगनिंग ऑफ द फाइल, ओके। अब आपका कहाँ से रीड होगा डेटा, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल। अब हम इसको फिर से रन करते हैं, ये देखो ये आपका ओल्ड स्ट्रिंग आ गया है, राइट। वेलकम टू द कोडिंग क्लास, कोडिंग हो गया था हमारा चेंज, तो अब मैं कर देती हूँ ओल्ड स्ट्रिंग कोडिंग को मैं चेंज कर रही हूँ, राइट। कोडिंग की जगह मैं चाहती हूँ पाइथन करना, पाइथन। अब देखो आपका अपडेटेड डेटा आ गया है, वेलकम टू द पाइथन क्लास, फाइन। अब आपका डेटा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ओके, अंडरस्टूड। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।